हेलो एवरीवन, करते हैं प्रश्नावली 4.1 का पांचवा न्यूमेरिकल। इसे पीछे वाले वीडियो में हमने जो है न्यूमेरिकल 1 से लेकर 4 तक को हल किया था, अब पांचवे को करते हैं। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। समीकरण दे रखा है, जैसे पहला टी प्लस 4 बराबर किसके है 15 के। इसको सामान्य कथन के अंदर इसको परिवर्तित करना, सामान्य कथन में, सामान्य कथन में परिवर्तित करने का मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम पी और 4 दोनों को जोड़ा तो किसके बराबर आपका ये 15 के बराबर है। तो सामान्य कथन क्या बन जाएगा इसका? फिर पी और 4 का योग 15 है। तो सामान्य कथन क्या हो जाएगा इसका? बस इतना सा आंसर लिखना है इसका, पी और 4 का योग 15 है, इसका आंसर। बस हमने इसको कथन के अंदर परिवर्तित करना है, समीकरण को कथन में परिवर्तित करना है। अब दूसरे में क्या कर रखा, देखिए m में से क्या कर रखा, 7 को घटा रखा है और किसके बराबर आपका है 3 के बराबर है। तो क्या लिखेंगे? m में से 7 घटाने पर, m में से 7 घटाने पर कितना मिल रहा है? 3 प्राप्त होता है, इसका आंसर हो जाएगा। तीसरे पार्ट में क्या रखा है, देखिए m को पहले क्या कर रखा, 2 से गुणा कर रखा है और बराबर किसके हो रखा है? 7 के। तो क्या लिख देंगे? m का 2 गुना किसके बराबर है? 7 के। तो संख्या m का दुगुना, संख्या m का दुगना 7 है, बस इतना ही करना है। दुगना क्या है? 7 है। उससे आगे वाले में क्या है, फोर्थ में m बटा 5 है। ये कह देंगे m को किससे कर रखा, 5 से भाग कर रखा है। तो m भाग 5, या ये कह सकते हैं m का पांचवा हिस्सा किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो m का पांचवा भाग, या m का 5 से भाग करने पर 3 प्राप्त होता है। ये लिख दीजिए m को 5 से भाग करने पर 3 प्राप्त होता है। अब आगे देखिए 3m/5। तो पहले यहाँ पे क्या किया है, m को 3 से गुणा किया है और बाद में उसे क्या कर दिया, 5 से भाग कर दिया। तो m के 3 गुणे को 5 से भाग करने पर 6 प्राप्त होता है। क्या लिखेंगे इसका, देखिए आंसर, m के तिगुने कह दीजिए, 3 गुणे कह दीजिए, m के तिगुने को 5 से भाग करने पर 6 प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। अगला छठा, 3p+4 बराबर किसके है? 25 के। यानी p को क्या किया, पहले 3 से गुणा कर दिया और उसमें क्या कर दिया, फिर जो है 4 जोड़ दिया था, आपको कितना मिल गया, आपको 25 मिल गया है। तो क्या लिखेंगे, p के तिगुने में या 3 गुने में, p के तिगुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। अब सातवां पार्ट, 4p-2=18। यानी p को किससे गुणा कर रखा है, 4 से, और उसमें से क्या कर दिया, फिर 2 को घटा रखा है। p को 4 से गुणा कर दिया, फिर 2 को घटा दिया, कितना मिलेगा आपको, 18। तो क्या लिखेंगे, p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 18
प्राप्त होता है। और लास्ट पार्ट इसका आठवां जो है, क्या कर रखा है, पहले पी को दो से भाग कर दिया, या ये कह दी पी का आधा, दो से भाग करने का मतलब आधा होता है, और बाद में उसने क्या कर दिया, दो जोड़ दिया है, तो पी के आधे में, पी का आधा होगा ना, पी बटा दो पी का आधा है, पी के आधे में पी के आधे में दो जोड़ने पर आठ प्राप्त होता है। तो इस ढंग से आपका ये पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब करते हैं इसका छठा क्वेश्चन। छठे में क्या है, स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, क्वेश्चन आसान सा है, बड़ी सारी लिख रखी है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। चार स्थिति दे रखी, इसमें चार पार्ट दे रखे हैं, और इन चारों के अंदर क्या, समीकरण के अंदर परिवर्तित करना, जो स्थिति दे रखी है उनको समीकरण में परिवर्तित करना है। तो पहला जो पार्ट है उसमें क्या है, इरफान कहता है कि उसके पास, इरफान के पास, परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके पांच गुणे से सात अधिक कंचे हैं। इरफान कहता है कि परमीत के पास जितने भी कंचे हैं ना, उस इरफान के खुद के पास परमीत वाले कंचों के पांच गुणे से सात अधिक कंचे हैं, और इरफान के पास कुल कितने कंचे, 37 कंचे हैं। वैसे यहाँ पे लिख के दे दिया, बुक में दे रखा है, परमीत के पास कंचों की संख्या को आपने एम लेना है। तो माना परमीत के पास कंचों की संख्या, माना परमीत के पास कंचों की संख्या, क्या लेनी हमने, इसको m लेना है। अब इसका क्या करना है, पांच गुना करना है, m का पांच गुना, m का पांच गुना क्या हो जाएगा, पांच m हो जाएगा, पांच से गुना कर दिया, और उससे क्या करना है, सात अधिक करना है, m के पांच गुने, m के पांच गुने से, m के पांच गुने से सात अधिक, वो क्या हो जाएगा, एम का पाँच गुना देगा, इससे क्या कर दिया, सात अधिक कर दिया, तो क्या बन जाएगा आपका, पाँच एम प्लस सात हो गया। अब इरफान क्या कहता है कि इसके पाँच गुने से सात अधिक कंचे किसके पास हैं, इरफान के पास है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एम के पाँच गुने से सात अधिक, एम के पांच गुने से सात अधिक बराबर क्या है, इरफान के पास कंचे, इरफान के पास कंचे, m के पांच गुने से सात अधिक क्या बन जाएगा आपका, पांच एम प्लस सात, और इरफान के पास कितने कंचे हैं, 37। तो ये आपकी समीकरण बन गई है, पांच एम प्लस सात बराबर 37 के। तो ये का फर्स्ट पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, लक्ष्मी के पिता की आयु दे दी 49 वर्ष, उनकी आयु लड़की की आयु के तीन गुने से चार वर्ष अधिक, यानी कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 है, वो अपनी लड़की की आयु के तीन गुने से चार वर्ष अधिक है, और लक्ष्मी की आयु का अपने क्या लेना, वाई लेना है। तो माना लक्ष्मी की आयु, माना लक्ष्मी की आयु, माना लक्ष्मी की आयु, लक्ष्मी की आयु कितनी लेनी हमने, वाई वर्ष। अब लक्ष्मी की आयु का तीन गुना, लक्ष्मी की आयु का तीन गुना, तीन गुना क्या हो जाएगा, तीन वाई,
और लक्ष्मी की आयु के तीन गुने का चार वर्ष अधिक। लक्ष्मी की आयु के तीन गुने से चार अधिक क्या बन जाएगा? तीन गुना तो ये, इससे क्या कर दिया, चार अधिक कर दिया, तो क्या हो जाएगा, तीन वाई प्लस चार। अब प्रश्नानुसार क्या क्या रखा है, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है कि लक्ष्मी की आयु के तीन गुने से चार अधिक किसके बराबर है, पिता की आयु किसके बराबर है, पिता की आयु, लक्ष्मी के पिता की आयु, लक्ष्मी के पिता की आयु। अब लक्ष्मी की आयु के तीन गुने से चार अधिक क्या बनेगा आपका, तीन वाई प्लस चार। और लक्ष्मी की पिता की आयु कितनी दे रखी थी यहाँ पे, 49 वर्ष, तो बराबर क्या कर देंगे 49, ये समीकरण बन गया। क्लियर है मेरे ख्याल से? अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, अध्यापिका बताती हैं कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, यानी पूरी कक्षा में किसी बच्चे की जो सबसे ज्यादा अंक आए हैं, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक जो सबसे कम आए अंक आए हैं, उसके उस प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना धन सात धन, यानी कि जमा प्लस जोड़ना, और प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितने हैं, 87 हैं। अधिकतम अंक कितने हैं, 87। न्यूनतम प्राप्त किए अंक को क्या लेना, आपने एल लेना है। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंक को क्या लेना है, एल। तो देखिए, मानना प्राप्त, माना प्राप्त किए गए, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या ले लिया, एल। तो फिर करना क्या उसका, दुगना। तो न्यूनतम अंक का दुगना, न्यूनतम अंक का दुगना क्या हो जाएगा, 2L, और धन 7 यानी कि जोड़ना। तो न्यूनतम अंकों के दुगने का धन 7, न्यूनतम अंक के दुगने का धन 7 क्या बन जाएगा, ये दुगना, उसमें क्या करते हैं, 7 धन धन यानी कि जोड़ना प्लस करना 7, और ये किसके बराबर आपका, फिर आपका जो न्यूनतम अंक का दुगना धन 7 किसके बराबर है, अधिकतम अंक के बराबर है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, न्यूनतम अंक के दुगने का धन 7 बराबर किसके है, अधिकतम अंक के, बराबर किसके है, अधिकतम अंक, यानी किसी विद्यार्थी जो अधिकतम अंक आए उसके बराबर। तो इसका तो हमने क्या बनाया, ये 2L प्लस 7 बनाया है, और अधिकतम अंक कितने थे यहाँ पे, 87। तो अधिकतम अंक कितने यहाँ पे, 87। कंप्लीट इक्वेशन बन गया आपके, यहाँ दोबारा देख रहे हैं, न्यूनतम अंक के दुगने का धन 7 2L प्लस 7, और अधिकतम अंक कितने आपके, 87। तो बराबर क्या कर दिया, 87। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। जैसे मान लीजिए ये हमने बना दिया यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी कोई दो भुजा क्या हो, बराबर हो।
जैसे मान लीजिए ए बी और ए सी क्या हैं, बराबर हैं, और ये दोनों क्या हो गए आपके आधार कोण हो गए, और आधार कोण कितना मानना है इसमें यहाँ पे बी पढ़ेंगे इसको, और ये ऊपर वाला ये आपका क्या हो जाएगा शीर्ष कोण, ए क्या हो जाएगा शीर्ष कोण हो जाएगा। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण यानी कि ए, शीर्ष कोण कौन सा है यहाँ पे ए, प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है, आधार कोण क्या आपका बी, ये दे दिया है इसने। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण आपने क्या मानना है बी डिग्री का, यानी ये भी बी का है ये भी बी का है, और ये कह रहा है कि ये बात याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे देखिए, मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण माना प्रत्येक आधार कोण, प्रत्येक आधार कोण बराबर क्या आपका बी डिग्री है। अब प्रत्येक आधार कोण क्या आपका बी डिग्री दे रखा है, और साथ में क्या दे रखा है शीर्ष कोण, शीर्ष कोण किसके बराबर दे रखा है आधार कोण का दुगुना, क्या दे रखा है प्रत्येक आधार कोण का दुगुना, आधार कोण क्या था आपका b था, उसका दुगुना क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा 2b। ये तो आया यहाँ पे। अब अगली बात क्या यूज करनी है आपने, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब तीन कोण कौन कौन से हैं, ए बी और सी, यानी हम ये कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री। अब कोण ए कितना है, अभी अभी निकाला था क्या आपका शीर्ष कोण ही रही, शीर्ष कोण ए कितना निकाला हमने 2b निकाला है, कोण बी किसके बराबर है बी के बराबर है, कोण सी किसके बराबर है ये भी बी के बराबर है, बराबर कितना आपका 180। 2b प्लस बी प्लस बी क्या हो जाएगा 4b, और 4b बराबर क्या आपका 180, 4b बराबर क्या हो जाएगा आपका 180। इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट है। वीडियो समझ आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।